Remaining five topics. Automated bank payments. Automated bank payments क्या है? Automated bank payments basically banks follow a system called BACS. BACS का full form है Banking Automated Clearing System. ये वही चीज़ है जो मैंने आप लोगों को समझाई उस टॉपिक में, ये जिसमें बैंक क्लियरिंग सिस्टम हम समझ रहे थे कि बैंक्स ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम क्या है. इट्स बेसिकली द सेम सिस्टम, सेम हेड ऑफिस जहाँ पे बहुत सारे चेक्स जमा किए जाते हैं, उनको ग्रुपिंग की जाती है और फिर कौन से बैंक से कौन सा चेक आया है, किस बैंक को कितनी पेमेंट देनी है, किस बैंक से कितनी पेमेंट आनी है, ये तमाम चीज़ें बैंक्स ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम डील करता है और फिर नेट ऑफ करता है चीज़ों को ताकि पेपर वर्क से बचा जा सके, टाइम को सेव किया जा सके, लेस एफर्ट में इफेक्टिव काम हो सके. Unusual features of receipts and payments media and documentation में तीन चीज़ें आती हैं. नंबर वन, incorrectly completed checks. वो checks जिनको सही से नहीं भरा गया, जिनकी amount और written figure में difference है, जिनके signature में फ़र्क है, जिनके account का pay जो है उसका नाम सही नहीं लिखा गया, any kind of incorrect checks, incorrectly filled checks is अ पार्ट ऑफ द अनयूजुअल फीचर्स ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स. यानी कि वो चेक डिसऑनर हो जाएगा, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड अ वैलिड चेक. ओके, नेक्स्ट, आउट ऑफ डेट चेक्स. ऑब्वियसली 6 months पुरानी डेट है, 6 months पहले की डेट लिखी गई है चेक में और अब जाके कोई हम बैंक को प्रेजेंट कर रहे हैं वो चेक, देन दैट चेक इज कॉल्ड, इज डिक्लेयर्ड एज अ स्टेल चेक. ओके, नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड लिमिट एक्सीडेड. क्रेडिट कार्ड लिमिट एक्सीडेड का मतलब ये है कि जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स के एक बहुत अच्छी ऑप्शन है कि अगर आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपए रखे हुए हैं और आपने ट्रांजैक्शन 2,00,000 की करनी है तो आप उस क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, क्योंकि बैंक ने इजाज़त दी है कि वो 1,00,000 आपके अकाउंट से ले लेगा, बाकी 1,00,000 का आपके ऊपर कर्ज चढ़ा देगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी वसूल करेगा. लेकिन अगर आपको एक ट्रांजैक्शन 10,00,000 रुपए की करनी है तो आपको क्या लगता है बैंक क्या करने देगा? क्या बैंक इस ट्रांजैक्शन को अलाउ करेगा कि आपके अकाउंट में 1,00,000 रखे हुए हैं और आप 10,00,000 की ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हो? हाउ इज़ दैट पॉसिबल? बैंक्स बेवकूफ़ नहीं होते, बैंक्स आपकी हैसियत को देखते हुए आपको इजाज़त देते हैं कि हाँ आप ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. अगर बैंक को पता है कि आपकी तो बस एक 50,000 की नौकरी है और आप महीने का 50,000 कमाते हैं और आपके इतने एक्सपेंसेस हैं, आप कैसे पे ऑफ करेंगे 10,00,000 का लोन या 10,00,000 का 9,00,000 10,00,000 की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, 9,00,000 का लोन आप लेना चाह रहे हैं, ऐसे कैसे एक क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम आपको दे दें? आप या तो प्रॉपर अग्रीमेंट करें, कॉन्ट्रैक्ट पे आएं और आप बोलें कि हाँ मुझे 10,00,000 का लोन चाहिए तो हम आपको प्रॉपर तरीके से लोन देंगे. ये तो कोई तरीका नहीं हुआ कि आप क्रेडिट कार्ड से इतनी हाई अमाउंट की ट्रांजैक्शन आप कर लें. तो नाउ दिस अमाउंट, जो अमाउंट लिमिट है, ये वेरी करती है फ्रॉम बैंक टू बैंक. किसी बैंक की कुछ है, किसी बैंक की कुछ है, ये हर बैंक की अपनी पॉलिसी है. इट डिपेंड्स अपॉन द बैंक. बैंकिंग मनीज रिसीव. अब बैंक्स में पैसा कब डालना चाहिए, कब कब डालना चाहिए, कब कब नहीं डालना चाहिए, क्यों डालते हैं लोग बैंक्स में पैसा? जल्दी जल्दी डालना चाहिए ताकि आपको ओवरड्राफ्ट की वजह से जो भी खर्चा एक्स्ट्रा चार्जेस वहाँ पे लगाएंगे वो कम हो, इंटरेस्ट चार्जेस इंटरेस्ट के कॉस्ट लो हो. क्योंकि अगर आप बैंक से उधार पे उधार पे उधार लेते जाएंगे तो वो आप पे इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे जो आपके बिजनेस को, आपके क्लाइंट को कॉस्टली पड़ सकते हैं, किसी भी क्लाइंट को, किसी भी इंडिविजुअल को कॉस्टली पड़ सकते हैं. तो वो कॉस्टली ना पड़े इसलिए बैंक में पैसे डालते हैं वीकली बेसिस में, 2 वीकली बेसिस में, ताकि आपके ऊपर ओवरड्राफ्ट बहुत बड़ी अमाउंट का ना आ जाए. ओके, नेक्स्ट, हैंडलिंग स्टोरेज एंड सिक्योरिटी ऑफ मनी. बेसिकली हम बैंक के सिस्टम को समझते हैं. बैंक करता क्या है? बैंक लोगों के पैसे अपने पास हिफाजती तौर पे रखता है. क्यों? क्योंकि घर पे अगर लोगों के पैसे रखे होंगे इट्स नॉट सेफ, चोरी हो सकती है, डकैती हो सकती है. एंड वैसे भी हम पढ़ते हैं अकाउंट्स में कि मनी की वैल्यू गिरती है दिन ब दिन अगर वो खाली पड़ा हो. पैसा अगर खाली पड़ा हो तो उसकी वैल्यू गिरती रहती है. तो ये ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल बात होती है कि हम एक अकाउंटेंट होते हुए ये नॉलेज रखें और फिर भी एक बिग अमाउंट ऑफ मनी घर पे एज अ कैश फारिग रखें. या कोई भी कंपनी अगर ऐसी हरकत करती है तो बहुत ही बेवकूफ़ कंपनी कहलाती है, क्योंकि ऐसा नहीं करना है. हमने उस पैसे को या तो किसी जगह इन्वेस्ट करना है, कोई जगह नहीं है इन्वेस्ट करने की तो बैंक में डाल देना है.
बैंक में रखने से ये होगा हमें इंटरेस्ट उस पर मिलता रहेगा, और दूसरी बात हमारे पैसे सेफ भी रहेंगे। तो बैंक इतने सारे पैसों को आखिर करता क्या? आपको क्या लगता है बैंक क्या इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि वो इतने सारे पैसे अपने पास रखे रहे, खाली पर रखा रहे? नहीं, वो उन पैसों को यूज़ करता है। कैसे यूज़ करता है? वो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है। वो ऐसे क्लाइंट्स को, ऐसे कस्टमर्स को, ऐसे इंडिविजुअल्स को, ऐसे कंपनीज को लोन देता है कि हाँ, अगर वो उनका कोई प्रोजेक्ट है, उनका कोई बिजनेस है, वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं कोई बिजनेस है जिसके लिए उनको पैसा चाहिए, एंड बैंक फील्स दैट येस देर इज़ अ पोटेंशियल इन द पर्सन, देर इज़ अ पोटेंशियल इन द बिजनेस एंड ही विल बी एबल टू रीपे अस बैक एंड देर इज़ सम सिक्योरिटी अगेंस्ट इट, तो बैंक वो पैसा उनको एज अ लोन दे देते हैं। ठीक है, तो बैंक भी अपने पास पैसा फारिग एक हद तक रखता है, उससे ज़्यादा नहीं। जो भी एक्स्ट्रा पैसा होता है वो उसको इन्वेस्ट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन, किसी को दे देता है या तो किसी अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर लेते हैं जहाँ से उसको भी रिटर्न मिलता रहे। ओके, तो हैंडलिंग, स्टोरेज एंड सिक्योरिटी ऑफ मनी में ये सारी चीज़ें आ गई कि बैंक आखिर पैसों के साथ करता है। बैंकिंग मनी इज रिसीव्ड में पेइंग स्लिप्स किसे कहते हैं? पेइंग स्लिप्स बेसिकली क्या होती है कि जब भी कोई भी इंडिविजुअल जाके बैंक में पैसे जमा कराने जाता है, तो सपोज उसने 20,000 रुपीज़ जमा कराने, तो 20,000 रुपीज़ जमा कराने से पहले उसको एक स्लिप, एक फॉर्म फिलअप करना होगा जिसमें वो उन 20,000 रुपीज़ की डिटेल्स फिल इन करेगा, लाइक कितने 1,000 के नोट हैं, कितने 5,000 के नोट हैं, कितने कॉइन्स हैं, कितने क्या हैं, मतलब वो तमाम डिटेल्स ऑफ द रुपीज़ 20,000 कैश उसमें फिल इन करेगा और फिर जाके डिपॉजिट कराएगा बैंक में कि येस दिस इज द रुपीज़ 20,000 दैट आई वॉन्ट टू डिपॉजिट इन द बैंक। ओके, सो दैट इज कॉल्ड पेइंग इन स्लिप्स। ओके, नेक्स्ट, बैंक्स एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस क्या है? बेसिकली क्यों बनाए गए? इसलिए बनाए गए कि पहले के ज़माने में आप देखो कि बैंक्स नहीं होते थे, तो क्या करते थे लोग? घर में पैसे रखते थे। कैश हैंडलिंग में इतनी मसले मसाइल होते थे, अगर बहुत ज़्यादा कैश आ जाए बंदा किधर रखे? चोरी का भी खतरा, डकैती का भी खतरा, डिवैल्यूएशन का खतरा, और ऊपर से इट्स सो मच ऑफ मेस टू कैरी दैट पेपर कैश एंड टू कैरी इट अलॉन्ग विथ यू एंड टू काउंट इट एंड टू यू नो टोटल इट अप। तो बैंक्स फिर इजाद किए गए कि ओके, बैंक्स देर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन जहाँ पे ये पैसे रखे जाएं, जहाँ पे वो सेफ्टी हो, जहाँ पे हमारे पास इतना हेडेक नहीं हो कि हमने बिजली का बिल भी हर महीने देना है, एम्प्लॉयज़ के भी देखना है उनको तनख्वाह दी गई है या नहीं दी गई, हमने वेजेस भी देखने हैं, हमने ये खर्चा भी देखना है, वो खर्चा भी देखना है, चैरिटी में भी देना है, भाई इतने सारी चीज़ें हम अपना बिजनेस चलाएं या ये हर महीने के रूटीन के खर्चे देखें। तो ये एक चीज़ चाहिए थी लोगों को, कंपनीज को, बिजनेसेस को, जो बैंक्स ने प्रोवाइड की। ये सर्विसेज की वजह से बैंक्स को बहुत सहूलत मिली, कंपनीज को बहुत सहूलत मिली, बहुत आसानी मिली, और साथ ही साथ जो पेपर काउंटिंग और पेपर हैंडलिंग का जो इशू था वो भी कम हो गया, बिकॉज यू जस्ट गिव अ कॉल टू द बैंक और यू जस्ट राइट अ फॉर्म एंड पेमेंट डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाती है फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। कोई आपको यहाँ से 1,00,000 बैंक में भर के ले जाके दूसरे बंदे को देने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट इंटर ट्रांसफ़र हो जाता है, और कैश भी इधर से उधर नहीं जा रहा होता क्योंकि नेट ऑफ हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत बिग अमाउंट्स ऑफ कैश यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र नहीं किए जाते। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ बैंक्स एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस एंड वाई दीज वर इन्वेंटेड एंड वॉट वॉज द नीड फॉर दीज बैंक्स एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। बैंकिंग एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में देर आर अ नंबर ऑफ सर्विसेज दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स। इनके बेनिफिट्स तो हमने देख ही लिए, मैंने बताया आपको, और ये क्यों ईजाद हुए और इनके क्या फ़ायदे हैं, लेकिन इनके बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं एंड दैट इज़ इन योर चैप्टर, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू इट। अगर आप रोज़मर्रा की रूटीन में देखें तो आपको थोड़ी बहुत कॉमन सेंस से आपको अवेयरनेस होगी होगी कि बैंक्स क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरेंस देते हैं, लोन देते हैं, आपके यू नो डेबिट ट्रांसफ़र, क्रेडिट ट्रांसफ़र एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ये सब मेंटेन करते हैं, आपके अकाउंट्स मेंटेन करते हैं आपको, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है वो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, मॉर्गेज फैसिलिटी, लीज पेमेंट्स की फैसिलिटी। तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम सर्विसेज आपके टेक्स्ट बुक के चैप्टर में बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से ईजिली गिवन हैं। यू हैव टू जस्ट गो थ्रू इट बिकॉज इट्स ऑल कॉमन सेंस, नथिंग टू एक्सप्लेन इन इट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड मेक श्योर यू रीड दिस चैप्टर बिफोर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो विच विल बी ऑन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।